हेलो एवरीवन, सो आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। इस पे हमारी सीरीज चल रही है कक्षा 6 के, हमारा राजस्थान आरबीएसई बुक की। इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं राजस्थान परिचय, इतिहास और जानने के स्रोत। आज हम करने वाले हैं 6 चैप्टर राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये सारे जो नोट्स हैं हमने हाईलाइटेड किए हुए हैं, और इस सब में जो मेन मेन लाइन है जो मैं खुद अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ती हूँ वही मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ताकि आपका समय बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि मध्यवर्ती जो राजस्थान का भाग है वो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला का बना हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम मालाओं में से एक है। तो सबसे प्राचीनतम कौन है, अरावली पर्वतमाला, और कहाँ पे राज्य के मध्यवर्ती भाग में है। राज्य का पश्चिमी भाग पर मरुस्थली है, और दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो पठारी है। तो पश्चिमी एरिया जो है वो मरुस्थली और दक्षिण पूर्वी पठारी है। भूभाग संरचना के आधार पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में भूभाग संरचना के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो 4। अब वो 4 कौन कौन से, थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। भारत में अगर अपन बात करें ये थार मरुस्थल की, तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान के अरावली तक जो भाग है वो सारा ही सारा मरुस्थल है। थार का मतलब मरुस्थल। और राजस्थान में 12 जिले जो हैं वो मरुस्थली प्रदेश में, और यहाँ पे 61% जो भाग है राजस्थान का उसमें ये फैला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें सिर्फ जनता 40% ही निवास करती है। एरिया 61 और जनता सिर्फ 40, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि जैव विविधता है, सिंचाई के साधन है, कृषि, इसलिए ये धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जो रेतीला मरुस्थल स्थित है, बिल्कुल रेत वाला, उसको भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ये जो रेतीली मिट्टी है यहाँ पे कुछ टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना जो स्थान है वो बदलते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बालू का स्तूप। स्थानीय जो भाषा है राजस्थान की उसमें इसको धोरे भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, धोरे हैं जो रेत के टीले जो हवा के साथ स्थान बदलते हैं। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर ये जो है मरुभूमि, घंघर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेश में ये बांटा गया। नेक्स्ट है अरावली। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में जब अपने जाते हैं तो अरावली का प्रदेश है दक्षिण पश्चिम हुआ यहाँ से, और उत्तर पूर्व यहाँ पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 9% ऑफ जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे पास है। विश्व की सबसे प्राचीन है ये, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है। 692 किलोमीटर इसकी पूरी डिस्टेंस है, और उत्तर में ये दिल्ली के रायसीना तक जाती है। रायसीना हिल्स आपने सुना होगा। तो ये टोटल इसकी लेंथ 692 है। ठीक है, अब अरावली जो है वो सबसे उच्चतम भाग है अगर अपने राजस्थान का बात करें ठीक है, और ये 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। इस पर्वतमाला में क्या है, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसका ये जो अरावली पर्वतमाला है वो पूर्व की तरफ प्रसार को रोकती है। ठीक है, मतलब पूर्व में ज़्यादा और पश्चिम की तरफ रोकती है, इसी कारण से इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। पूर्वी और दक्षिण में तो वर्षा करती है लेकिन पश्चिम में जाने नहीं देती, जो जैसलमेर वाला इलाका है। ठीक है, सबसे ऊँची पर्वत चोटी जो है इसकी वो गुरु शिखर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वापस बोल रही हूँ मैं, सिरोही ज़िले में माउंट आबू में स्थित है, 1722 इसकी ऊंचाई है। अब आपको ये राजस्थान का पूरा एरिया दिख रहा होगा जिसमें कुछ रेतीला शुष्क भाग है जो येलो कलर से शो किया हुआ है, जो ग्रीन कलर है वो घग्गर का मैदान है, जो उसमें कुछ मात्रा में ये मैदान एरिया आपको दिखेगा, और मिडल में आपको ब्राउन कलर से अरावली पर्वतमाला मिलेगी, जो ऊपर वाला ये शिखावट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बागड़ का आपने नाम सुना होगा, उत्तरी एरिया आपने सुना होगा नाम। तो यहाँ पे रेतीला शुष्क मैदान पश्चिम में है, और अरावली जो है वो बिल्कुल मिडल में है। कुछ मैदान ग्रीन कलर से और डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पे हाड़ोती का पठार है। तो मिडल में यहाँ पे ये आपको अरावली दिख जाएगी। इसका एरिया जो है वो बहुत विस्तृत है, और इस मैप को आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ पे आबू पर्वत है और किस एरिया में पश्चिम उत्तर। बात करते हैं पूर्वी मैदानों की। तो पूर्वी मैदान जो है वो चंबल, बनास, बाणगंगा, इसकी सहायक नदियाँ। तो ये याद रखना है, चंबल, बनास और बाणगंगा किसकी, तो पूर्वी मैदान में। ठीक है, तो इसका जो प्रवाह है वो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ठीक है, यहाँ इस मैदान में लगभग 23% ये जो भाग है वो फैला हुआ है। इससे पहले 619 आपने पढ़ा, 23% भाग पे फैला हुआ है। और चंबल नदी के पास कोटा और धौलपुर है,
नालीय बर्तन के कारण, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया, इसको बीहड़ या फिर डांग कहते हैं। तो ये वर्ड बैड लैंड टोपोग्राफी, इसका नाम है बीहड़ या डांग। कहाँ पे? कोटा धौलपुर में। तो सबसे उपजाऊ और सबसे जन घनत्व वाला भाग है, यानी कि 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। दक्षिण भाग में जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, वहाँ पे माही की सहायक नदियाँ हैं, इसी वजह से इसको माही का मैदान भी कह देते हैं। 56 क्योंकि गाँव है तो 56 का मैदान भी कह देते हैं। बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठार की, तो यहाँ दक्षिण पूर्वी पठार में हाड़ा वंश जो शासक थे, तो करके इसको हड़ौती का पठार कह देते हैं। और इसका एरिया 7% ही है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो लावा निर्मित काली है, और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानते हैं। ठीक है, कुछ अन्य पठार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिरोही में उड़िया का और आबू का पठार है, दोनों सिरोही में। उदयपुर राजसमंद में माओ भोराट का पठार है, और चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है, और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों में के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है। और लास्ट है उदयपुर और प्रतापगढ़, तो यहाँ पे लसाड़िया का पहाड़ है। तो उदय प्रताप ने लसन खाया, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल वायु व चक्कर। तो जलवायु और चक्कर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसून का प्रभाव है ना। सिर्फ ऐसा एक राजस्थान ही है पूरे देश में जिसमें 5 प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे पश्चिम में 61% भाग शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अब यहाँ पे इन्होंने एक गतिविधि क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अभी जो आप पढ़ के आए हो क्या क्या था। तो भौतिक प्रदेश के नाम पूछे, वो मैंने यहाँ पे अपनी रिविजन के लिए लिखे थे, और जिलों के नाम। इस जिलों के नाम पर आप ध्यान ना दें, आप अपना बेस्ट करें, आप खुद से लिखें कि कौन कौन से ज़िले हैं। हो सकता है इसमें मैंने 2-3 ज़िले ना लिखे हों। तो जब मरुस्थल में मुझे जितने पता थे, जोधपुर नागौरपाली, अरावली में सिरोही उदयपुर राजसमंद अजमेर मैदानी में, और अलवर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, दक्षिण में दक्षिण पूर्वी में भीलवाड़ा कोटा बूंदी झालावाड़ बारा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई नॉलेज है तो उसको आप कॉपी पर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट करते हैं इसी में, अरावली का जो पूर्व है वहाँ पे जयपुर है ना, और उत्तर पूर्व में उप आद्र जलवायु है, उप आद्र। ठीक है, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आद्र, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। और दक्षिण में जो बांसवाड़ा है वो अति आद्र में आते हैं, झालावाड़ और बांसवाड़ा ये दोनों अति आद्र में आते हैं। यहाँ की जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है कई बार। लेकिन पश्चिम एरिया पूरा शुष्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के हिसाब से। ये पश्चिम वाला जो जैसलमेर इलाका है, और फिर मिडल में ये आ जाता है जो आपका इधर साइड जयपुर जोधपुर वाला एरिया आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, उधर तो ये शुष्क है। ठीक है, ये जो पश्चिम है वो शुष्क है, और बिल्कुल इधर बांसवाड़ा जो आपने पढ़ा अभी डूंगरपुर, ये सबसे ज़्यादा अति आद्र कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पे बारिश जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उसके साइड में 60-80। तो ये आपको याद रखना, पंजाब हरियाणा से जो लग रही है सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ जो लग रही है, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लग रही है, गुजरात के साथ जो सीमा लग रही है, तो यहाँ बारिश का कितना कितना एरिया है। तो बात करेंगे ऋतुओं की, तो राजस्थान में 3 ऋतु हैं। गर्मी की ऋतु जो मार्च से जून तक है, वर्षा की ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक है, और शीत की ऋतु जो अक्टूबर से। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर गंगानगर में 42-45 इवन 50 तक टेम्परेचर रहता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। रेत क्योंकि जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ दिन का तापमान और रात का तापमान में अंतर ज़्यादा आ जाता है। ऊंचाई के कारण जो माउंट आबू है ना, वो इस ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो गर्मी की ऋतु का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा रहता है, तो माउंट आबू है। अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और कभी कभी इनकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर/घंटे से अधिक होती है। वर्षा ऋतु पर चलते हैं, 90-95% तक की जो वर्षा है राजस्थान की, वो जुलाई से सितंबर तक हो जाती है। मतलब सिर्फ महीने जुलाई से सितंबर में ही बारिश आती है अगर आती है तो। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की वजह से बारिश आती है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है वो यहीं, इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में। और अरब सागर की अगर बात करें तो यहाँ से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो ज़िला अगर कोई पूछे तो वो झालावाड़ है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, और इसीलिए इसको सबसे आद्र माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर है, 10 सेंटीमीटर ही बड़ी मुश्किल से होती है वर्षा। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू, ज़िला पूछे झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती रहती है। अरावली में जो पूर्व है वहाँ 50 सेंटीमीटर और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम। शीत ऋतु की अगर बात करें तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक कुछ स्थान तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें माउंट आबू एक है, सबसे अधिक ठंडा स्थान है इस ऋतु का, शीत ऋतु का।
यहाँ शीत ऋतु में भी कुछ हवाएं चलती हैं, जैसे उसमें गर्मी में लू चलती थी वैसे ही सर्दी में मावट या पश्चिमी विक्षोभ चलता है, जिससे गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये उत्तरी पश्चिम भाग में होता है राजस्थान के, तो ये याद रखने वाली बात है। अकाल मरुस्थल में कैसे पड़ता है, सूखा जब कोई भी पानी वगैरह नहीं रहता और रेतीली बंजर ज़मीन हो जाती है उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। लास्ट में आगे कुछ शब्दावली, ये इंपॉर्टेंट है। बंजर ज़मीन यानी कि अनुपजाऊ बीखड़ यानी कि नदी या जल से कटाव से बनी सम वर्षा रेखा जो आपने मानचित्र देखा, और मानसूनी हवाएं जो ऋतु के बदलने के अनुसार अपरदन जब मिट्टी इधर उधर खिसक जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो रिवीजन टाइम आ गया, इनको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको कितने अच्छे तरीके से आते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित ही नहीं है, अरावली थार हिमालय या पूर्वी? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर एवरेस्ट जरगाजी या कंचनजंगा? तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नीचे कुछ और क्वेश्चन है, इसको आपको वो एमसीक्यू फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे चंबल नदी के पास कौन सा अपरदन का क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो गया है, या फिर उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, और ऐसे कौन से क्षेत्र जो है वो सूखे हैं, मावट से किस फसल को लाभ होता है, तो ये गेहूं की फसल होगी। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए प्रमुख विशेषता बतानी है, तो कई ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि है जल संसाधन एवं संरक्षण। अब तक अगर आप वीडियो में हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।